चैत्र मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को महिलाएं अपने घर की बिगड़ी हुई दशा को सुधारने के लिए दशा माता का पूजन विधि विधान के साथ करती है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं ही करती हैं। इस दिन कच्चे सूत का 10 तार का डोरा जिसमें 10 गठाने लगाकर पीपल पर सूत लपेटकर बिगड़े ग्रहों को सुधारने के लिए व्रत व पूजा करते हैं। कच्चे सूत की पूजा करने के बाद महिलाएं गले में पहनती हैं। दशा माता के व्रत और पूजन महिलाएं अपने घरों की सुख समृद्धि, वैभव और पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज दशा माता का व्रत किया जाता है महिलाओं के द्वारा। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर व्रत को एक पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाता है। पीपल की पूजा की जाती है, घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। सभी सुहागन औरतें आज के दिन अपने घर के हालात सुधारने की दशा माता से प्रार्थना करती है। हर एक पौराणिक कथा के पीछे एक संदेश छुपा हुआ होता है। हम आज की पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण का भी हम ध्यान रखें। पीपल की पूजा की जाती है और दशा माता एक पुराना व्रत त्यौहार है जिसे हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की सुख समृद्धि के लिए किया करते हैं। क्या नाम लेते हैं? बंदरा होता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।